पूरे राज्य भर में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में, सभी अनुमंडल मुख्यालयों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में और सभी ग्राम पंचायतों में पार्टी ने मशाल जुलूस का आयोजन किया है और आगामी 7 मार्च को राज्य भर के हमारे आजसू के कार्यकर्ता झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार पर दबाव बनाया काम करेंगे। आजसू पार्टी जब सत्ता में थी उस समय सरकार में अपनी संख्या विधानसभा में कम रहने के बावजूद भी सरकार को जगाने के काम और कॉन्ट्रेक्टर के रूप में काम किया। पूरे पोस्ट कार्ड के द्वारा पूरे झारखंड में हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपने का काम किया था 1935 के खतियान लागू करने के लिए। और अभी जो हम लोग मांग कर रहे हैं तो झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का आरक्षण और स्थानीय नीति और नियोजन नीति 1932 के आधार पर लागू करेंगे। इसी के ऊपर सत्ता में आई है, उसने जो कहा है उसी को हमने मांग कर रहा है और दूसरा कोई मांग नहीं कर रहा। किस तरह से कार्यक्रम होगा 7 को? 7 को हम लोग संविधान तरीका से एकदम विधानसभा का घेराव करेंगे, पूरे झारखंड से विधानसभा कूच करने वाले। क्या क्या मांगे होगी उसमें? उसमें हम लोग का मेन है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और OBC का जो आरक्षण के लिए बोला था, ST के लिए जो आरक्षण के लिए बोला था और ST एक्ट जो हम लोग का सुरक्षा का कवच है उसे सही तरह से झारखंड में लागू करने का। यहाँ कर निवासी मूल निवासी जे आदिवासी मूल निवासी है का सेमन के आह्वान करे चाहती कि 7 तारीख कर विधानसभा घेराव में ज्यादा से ज्यादा संख्या हुआ उपस्थित हुआ का लेके आई जी झारखंड हम निकल लड़ के ले लाए रहे और आई जी 22 साल हुए जाते लेकिन आई पूछा थे एक झारखंडी कि हमार पहचान का है के आज अगर बिहार में देखल जाए एक बिहार के हुआ खतियानी है और अगर तमिलनाडु देखल जाए तो तमिलनाडु राज्य होलक है तो वहाँ भाषा और संस्कृति कर चलते तमिलनाडु अलग करल गेलक है। तेलुगु देखल जाए तो तेलुगु कर भाषा कर माध्यम से ही अलग करल गेलक है। बंगाल देखल जाए तो बंगाली भाषा कर माध्यम से बंगाल के करल गेलक है लेकिन आज झारखंड कर अलग होवल में आज हमने अपन पहचान कर खातिर आज हमने अपन अधिकार कर खातिर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि आज हमने के सड़क में उतर के अपन पहचान का हमने का पूछल जाते कि हमने कौन है कि विधानसभा कह रहे हैं।